नीति वही लिखता है जो विजयी होता है महा। तुम्हें अपने बल पर बहुत अभिमान है ना तारकासुर? तुम सर्वशक्तिमान बनना चाहते हो, शिव बनना चाहते हो, शिव से युद्ध करना चाहते हो, तो पहले मेरे इन कोमल हाथों से गड़े त्रिशूल को उठाकर दिखाओ। सर्वशक्तिशाली तारकासुर, तुम्हारे एक हाथ से तो ये त्रिशूल हिला भी नहीं। घोर अपमान असुरराज का, घोर अपमान। तनिक दूसरा हाथ लगाकर देखो। तारकासुर, तुम्हारा बल प्रदर्शन हम सबके लिए हास्य सम्मेलन ना बन जाए। यहाँ आंखें क्या दिखा रहे हो, वहां शक्ति दिखाओ। देखिए असुर माता दिति, आपका पुत्र तारकासुर जय का नहीं पराजय का भागीदार होने जा रहा है। तारकासुर, ये क्या कर रहे हो? शिव का त्रिशूल उठाने का प्रयास कर रहे हो? असुर माता दिति, बल युद्ध में छल का उपयोग मत कीजिए। कैसा छल? वही छल जो आप युगों से करती आई। आप वही असुर माता है ना जिन्होंने सती को यज्ञ पे आमंत्रित ना होने की सूचना दी थी। अवश्य आप भी मेरी ही तरह प्रजापति दक्ष के महायज्ञ में जा रहे होंगे। पिताश्री ने यज्ञ का आयोजन किया है? हाँ, तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा? स्मृति लौट आई? मुझे तो सब स्मरण है पार्वती, किंतु लगता है तुम भूल गई हो। जिस राजसभा में तुम्हारे सती रूप का दहन हुआ था उसमें ये सब उपस्थित थे, इसलिए छल के ऊपर चर्चा ना ही की जाए तो उचित होगा। तारकासुर, छोड़ो उसे। शूरवीर अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, उन्हें यूं उखाड़ते नहीं। नहीं छोड़ सकता असुर माता, संसार क्या कहेगा? अरे भूल जाओ संसार क्या कहेगा। संसार वही कहेगा जो ये त्रिदेव और देवता उन्हें बताएंगे। होने वाली वधू के मुख पर हर्ष का भाव होना चाहिए, क्रोध नहीं।
आप जाइए और हल्दी की तैयारी कीजिए। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहती हैं। हमारे प्रेम के मार्ग पर किसी निर्दोष के प्राण नहीं जाने चाहिए ना। पिताश्री, मैं आपके सर को पुनः आपके धड़ से जोड़ दूंगा। नहीं पुत्र शंखचूर, मेरा समय समाप्त हो चुका है। मुझे केवल एक वचन चाहिए तुमसे। कैसा वचन पिताश्री? यही कि मेरी मृत्यु के उपरांत तुम असुर राज तारकासुर के लिए कार्य करोगे। तारकासुर की हर इच्छा पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दोगे। वचन देता हूं पिताश्री कि आपकी अंतिम इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। पिताश्री, सच रहो शिव, शंखचूर आ रहा है। अपने पिता की मृत्यु के प्रतिशोध का शंखनाद करता हूं मैं। प्रेम जीवन का पर्याय है, मृत्यु का नहीं। मैं असुरों द्वारा मारे गए दूतों को पुनः जीवित करता हूं, पुनः जीवित करता हूं, पुनः जीवित करता हूं। ये तो जीवित है। शिव ने हमारे प्राण बचा लिए। मेरे पिताश्री की अंतिम इच्छा थी कि मैं असुर राज तारकासुर की सेवा में अपना सर्वस्व प्रदान कर दूं, किंतु उसके पूर्व मुझे शिव ने प्रतिशोध लेना है, प्रतिशोध लेना है, प्रतिशोध लेना है। शिव से प्रतिशोध लेने के लिए अब कोई लंबी योजना बनानी पड़ेगी। क्या आपको ज्ञात नहीं, मेरी पत्नी के पतिव्रता धर्म की शक्ति ही मेरा सबसे बड़ा कवच भी है और अस्त्र भी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो भी मेरे प्राण नहीं ले सकते। इसीलिए मैं महादेव का वध करूंगा, महादेव का वध करूंगा, महादेव का वध करूंगा, और उसके पश्चात अपने पिता की चिता को अग्नि दूंगा। असुर राज, आपने मुझे क्यों बांध दिया? तुम्हारे भ्रम को दूर करने के लिए। यह सत्य है कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, परंतु पाश में तो बांध सकता है ना। जिसको मारने या बांधने से अधिक महत्वपूर्ण है शिव और पार्वती के विवाह को सोखना, विवाह को सोखना, विवाह को सोखना, विवाह को सोखना, जिसकी तैयारियां आरंभ हो चुकी है।
बताइए महादेव, आपके विवाह में कौन कौन आमंत्रित होंगे? लिखिए ब्रह्मदेव, सभी देवी देवता ध्यान करके जो भूत पिशाच पशु पक्षी भक्ति साधना संग संग चंद्रमा रहे गंधर्व लाट पे वो चंद्रशेखरा असुर असुर भस्मशाई है त्रिपुंड धारी वो त्रिपुर सुंदरा है कोमल करुणामय वो प्रेम से असुर ओंकारा सदा शिव नील कंठ महेश्वरा वीर महादेव आपका हृदय ब्रह्मांड भांति विशाल है। सच भोलेनाथ ही हैं आप, भोलेनाथ ही हैं आप, भोलेनाथ ही हैं आप, भोलेनाथ ही हैं आप। महादेव आप सबसे प्रेम करते हैं, सबको क्षमा कर देते हैं। प्रभु अभी अभी जो हुआ क्या उसके पश्चात असुरों को आपके विवाह पे बुलाना उचित होगा? अवश्य ही ये असुर आपके विवाह में भी कोई बाधा उत्पन्न करेंगे महादेव, असुरों को बुलाना उचित नहीं है। इसमें अनुचित क्या है देवऋषि? असुर अपना धर्म निभा रहे हैं, हमें अपने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। स्वभाव से वो भी दूर नहीं रह सकते और हम भी नहीं। लिखिए ब्रह्मदेव। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। सुना पुष्प, सुना पक्षी, सुना वृक्ष, सुना जीव जंतु, सुना वायु, मेरा विवाह होने वाला है शिव से, शिव से, शिव से। प्रसन्न होना तुम सब, तुम सब भी तो साक्षी हो हमारे इस मिलन की। मैं तारकासुर तुम्हें असुर साम्राज्य का नया सेनापति घोषित करता हूं, सेनापति घोषित करता हूं। सेनापति शंखचूड़ की, सेनापति शंखचूड़ की, सेनापति शंखचूड़ की। कहिए क्या उत्तरदायित्व है असुर राज के सेनापति का?
असुर साम्राज्य के राजा तारकासुर पर केवल एकमात्र संकट है, शिव और पार्वती का होने वाला पुत्र। अब तुम्हें उस पुत्र के होने की सारी संभावना समाप्त कर देनी है। अब से यही तुम्हारा धर्म है। जो आ गया तो राज। पिताश्री माताश्री, क्या हुआ पार्वती पुत्री? सबकी तैयारी आरंभ कीजिए। महादेव ने हल्दी की अनुमति दे दी है। महादेव ने हल्दी की अनुमति दे दी है। महादेव ने हल्दी की अनुमति दे दी है। उत्सव की तैयारियां आरंभ की जाए। कल महादेव और पार्वती की हल्दी विधि है। हल्दी विधि है। हल्दी विधि है। क्या? ये तो अत्यंत शुभ समाचार है पुत्री। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पर शिव और पार्वती की हल्दी है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है असुर माता। आदि शक्ति का हल्दी कुमकुम है। हमें बधाई देने अवश्य जाना चाहिए। ऐसी क्या योजना है तुम्हारे पास? है कुछ। करने दीजिए पार्वती और संपूर्ण हिमालय को उत्सव की तैयारियां। यदि मैंने उस उत्सव को शोक में ना बदल दिया तो मैं अपने पिता का पुत्र नहीं, पार्वती अपनी हल्दी विधि का प्रबंध कर रही है और यहां हम अपने प्रतिशोध का। परंतु तुम्हारी योजना है क्या? हमें भी तो बताओ। शिव पार्वती के प्रेम अग्नि में असुर जाति के कई शूरवीर भस्म हो चुके हैं। हम और आपत्ति नहीं मोल ले सकते। गुरुदेव, क्या आपको दम पुत्र शंखचूड़ की योग्यता पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो अवश्य है, परंतु आश्वासन नहीं है। यदि तुम योजना बता दोगे तो फिर आश्वासन भी आ जाएगा। असुर राज, नारायण ने पग पग पर असुरों को छला। किंतु इस बार चल हम करेंगे। ऐसा क्या करने वाले हो शमशूर? पार्वती के घर में प्रवेश कर वार करेंगे और किसी को भी अनक तक नहीं लगूंगी। शिव संगनी की हल्दी की रीति उनके मिलन का प्रारंभ है, पर यही उनके संबंध के अंत का कारण बनेगी। अंत का कारण बनेगी। आपने कभी सर्प देखा है? अपने मार्ग में, अपने घर में, किसी भी वन में,
क्या करते हैं आप उसके साथ? उसे मार देते हैं या उससे दूर भाग जाते हैं, है ना? किंतु वही सर्प जब शिवलिंग पर लिपटे देखते हैं तो उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, उस पर जल चढ़ाते हैं। लोग आपका सम्मान, आपका स्थान और आपकी परिस्थिति देखकर करते हैं, इसलिए अपने आप को इतना उत्तम और इतना योग्य बनाइए कि सभी आपके आगे नतमस्तक हो सकें, आपका मूल्य जाने और अपने उज्जवल भविष्य के सारथी स्वयं बन जाएं।